अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशिर है, उमर इस्लाम भट्ट और नुमान यूनिस, और हम लोग बात करने हैं कराची में जो पानी और बिजली का मसला चल रहा है। बोले भाई, बिजली के ऊपर बोले आप लोग। बिजली लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और लगता ये है कि इलेक्ट्रिक जो है इसको सॉल्व करने में नाकाम हो चुकी है, और नेपरा ने भी इस पर किया है काफ़ी काम, और के इलेक्ट्रिक जो है वो स्विच गैस पे और स्विच गैस वाले के इलेक्ट्रिक पे, मतलब के इलेक्ट्रिक जो है इतनी नाहल हो गई है कि वो खुद बिल जमा नहीं करवा रही है। 80 अरब के ऊपर, 80 अरब रुपए का मामला है, और ये ड्रामेबाजी चल रही है के इलेक्ट्रिक का। तो मैंने तो ये भी सुना है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो है दबा के रिश्वत दी जा रही है कि वो इनके ऊपर एक्शन ना लेके इलेक्ट्रिक का। पता नहीं क्या सुना है, अब क्या हकीकत है देख लें। आवाम के लिए यही मैसेज है कि भाई 70 साल हो गए पाकिस्तान में बिजली का मसला नहीं हुआ, और ना लग रहा है कि होगा, तो ठंडी सांस लें, UPS लगाएं, जनरेटर लें और ऐश करें। और UPS और जनरेटर वालों का लेकिन ये है कि फ़ायदा हो रहा है, ये अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, पानी का मसला, ये टैंकर है, टैंकर माफिया है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पानी का शहर में कोई मसला ही नहीं है, मसला नहीं है, बनाया हुआ है। पिछले 10 से 15 सालों में इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर दिया पानी का कि मसला क्रिएट कर दिया, ये टैंकर माफिया। ये देखिए, यहाँ के एक बंदे ने मुझसे बोला था कि अगर बाकी में कराची का जिस दिन मसला हुआ ना, उस दिन टैंकर में भी पानी नहीं आएगा। लोग जो है उसने बोला था कि मीरपुर खास और हैदराबाद से जो है वो पानी भर के आएंगे, रहमान भाई कट रहे हैं ये, तो उसने बोला था कि हैदराबाद और मीरपुर खास से टैंकर भर के आएंगे अगर पानी का मसला ये वाटर पानी इधर है शहर के अंदर और सप्लाई का मसला और टैंकर माफिया के पीछे कौन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, डिस्ट्रीब्यूशन का मसला और टैंकर माफिया के पीछे कौन है ये भी सब लोग जानते हैं, इसलिए इसके ऊपर बात नहीं करते। खामोश हो जाए, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को आप बताएं, कौन आप जानते हैं, आप लोग को पता है, आप लोग कमेंट में नीचे बताएं ना, कमेंट में बताएं ना, ये तक है। बिल्कुल ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।